अलीगढ़ में पुलिस ने अंतर जनपदीय लुटेरी धुलन गैंग का खुलासा करते हुए क्वारसी पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया। फर्जी शादी करने वाली धुलन के गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गैंग के 7 सदस्यों को पलवल और खुर्जार से पुलिस ने 3 महिलाएं समेत 4 पुरुष गिरफ्तार किए गए। थाना क्वारसी इलाके का है, जहां बीते दिनों 2 युवकों के साथ शादी के दूसरे दिन बाद 2 दुल्हनें ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित युवक ने थाना क्वारसी में शिकायत की थी और वही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व में ही बिचौलिए को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिनसे पूछताछ में इस गिरोह का नाम प्रकाश में आया था। वही पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद फरीदाबाद से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जो शादी का झांसा देकर युवक को लूट कर फरार हो जाते हैं। क्वारसी पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग के सरगना सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से ज्वेलरी और नकदी भी बरामद हुई है। अंतर जनपदीय गैंग चला रहे ये अविवाहित पुरुषों को चिन्हित करके निशाना बनाते हैं। इनके कब्जे से सोने की धातु, अंगूठी, चेन, नकदी, मोबाइल बरामद हुआ है। पकड़े गए लोगों में से एक लड़की झारखंड की रहने वाली बताई जा रही है, लेकिन अब कई वर्षों से यही कर रहे हैं। अभी तक की जांच में इनसे 9 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 को पहले ही जेल भेज दिया है। 24 को थाना क्वारसी क्षेत्र में हमें एक सूचना मिली थी कि एक नवविवाहित दुल्हन अपने ही घर से कुछ जेवरात और आभूषण लेके और फरार हो गई है, तो तुरंत ही SHO क्वारसी ने कार्रवाई करते हुए उस पर FIR दर्ज की और हमने एक स्पेशल टीम गठित की थी, जिसके तहत हमने 2 लोग तो अगले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेजे थे। और कल इस कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि 7 लोगों का एक गैंग जो कि अंतर्राज्यीय अंतर जनपदीय तौर पर सक्रिय था और वो इसी तरह के जो अविवाहित पुरुष होते थे उनको चिन्हित करते थे, उन्हें निशाना बनाते थे और उनसे विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे। रिश्तेदारों कभी रिश्तेदार बनते थे, कभी बिचौलिया बनते थे और जहां नकदी और जहां आभूषण, जहां जेवरात जो मिल जाए वो सब लेके और फरार हो जाते थे। ये अलग अलग नामों का, अलग अलग फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र और अपने मोबाइल नंबर बार बार बदल के इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते थे। और कल क्वारसी पुलिस ने अथक प्रयासों और अपनी सक्रियता की वजह से इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है और काफ़ी इसमें रिकवर। जी, जो इंटरोगेशन में जो हमें अभी तथ्य सामने आया उसमें इन्होंने इस तरह की 10 से 12 घटनाएं कम से कम की हैं, जिसके लिंक राजस्थान तक, मेरठ और हापुड़ इत्यादि अनेक जनपद एवं दूसरे राज्यों तक भी इनके लिंक फैले हुए हैं। हालांकि ये सब अभी जांच का विषय और ये सब वेरीफाई अभी किया जाना बाकी है। और रिकवरी की अगर बात की जाए तो इनसे कई अदद पीली धातु की तरह दिखने वाले गले की चेन, अंगूठियां, बिछियां, झुमकियां और शादी में प्रयुक्त होने वाला मंगलसूत्र इत्यादि एवं नकद और कई अदद मोबाइल और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए। आरोपी है कि 80,000 रुपए लेकर इनकी शादी की गई थी, बस नहीं। ये बिचौलियों के बीच में इनका अरेंजमेंट रहता था और ये कुछ पैसे दे के बिचौलियाँ दोनों ही तरफ से पैसे ले के और इनकी शादी करवाते थे और ये पूरे ही गैंग मेंबर उस शादी में जो भी उन्हें जेवरात, आभूषण या जो भी इत्यादि प्राप्त होते थे वो सब ही का बंटवारा आपस में करके और अपना इसी तरह से फ्रॉड को जारी। छुपाने की भी बात की गई है कुछ, क्या चीज़? जब शादी हुई थी नाम पूजा बताया था। हाँ, ये जो मैंने जैसा आपको बताया कि अनेक अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र बदल के अनेक नामों से, अलग अलग मोबाइल नंबरों से ये लोग अपनी पहचान बनाते थे और एवं छुपाते थे और एक नई शादी और एक नई पहचान इनकी हमेशा सामने आती थी। नहीं, ये तो अभी जांच का विषय, ये अभी हम लोग पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मैंने इंटरोगेशन में बताया कि 10 से 12 टोटल मिला के शादियाँ करने की बात तो इन्होंने अभी तक कबूली है, हालांकि इसे भी हमें वेरीफाई करवाना होगा और ये सभी विवेचना में आगे प्रकाश में आएगा और आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा।